हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा दिस लेडीज। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे निट के फैब्रिक दिखा रही हूँ। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी निट की फैब्रिक की, तो आपको मैं बहुत सारे कलेक्शन दिखा रही हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे या फिर एक पर्टिकुलर फैब्रिक का नाम बोल दे कि मुझे इस टाइप की मटेरियल चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या मैसेज आ जाते हैं कि फैब्रिक चाहिए, ठीक है। और फैब्रिक का कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है, मेरे पास बहुत वैरायटी ऑफ फैब्रिक है, मैं सारे भेज भी नहीं सकती। तो आप थोड़ा सा उसमें मेंशन कर दोगे कि आपको किस टाइप की फैब्रिक चाहिए या क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट आप भेज दोगे तो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हो जाएगी मेरे लिए, प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज ये फैब्रिक, ठीक है। ये लॉन्ग फैब्रिक है, इसके ऊपर में वर्क कुछ इस तरीके से बूटी है, फिर बीच में थोड़े हल्के से है और लास्ट में पूरा दामन सा भरा पड़ा है। तो ये देखो आप, ये है फैब्रिक की डिटेलिंग। तो अभी जो प्लाजो चल रही है ना, उसके लिए बहुत है, मतलब बहुत शरारा और गरारा भी बोलते हैं उस टाइप की। अगर आप ड्रेस बनाते हो ऊपर प्लेन कुर्ती और नीचे आपकी इस तरीके की मटेरियल से आप अपनी गरारा शरारा बनाते हो या स्कर्ट बनाते हो, उसके ऊपर से कुर्ती रखते हो, तो बहुत अच्छी लगेगी। और इसका मैंने पिंक वाले का स्कर्ट बनवाया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी अपने स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप के कलेक्शन। तो ये हो गई इस फैब्रिक की डिटेलिंग, जिसकी जो डिटेलिंग है ना आप पास से देख सकते हो, बहुत अच्छे से वर्क है ये, आप ये देखो। और इसको मस्टर्ड येलो और ब्लू, अगर आपके पास कोई भी ऐसा कुर्ती है और इसके नीचे आपको प्लाजो बनानी है या फिर आपको सरारा बनानी है, तो आप ये ले सकते हो। स्कर्ट भी आप बनाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी, एक प्लेन बहुत ही अच्छे ब्लू टॉप के साथ। ये हो गई इस फैब्रिक की पूरी डिटेलिंग, ये देखो। अब मैं आपको जो दूसरी फैब्रिक दिखा रही हूँ वो पिंक कलर की नेट है, ये देखिए। ये एक बार पहले भी आई थी बट वो निकल गई, तो इस बार फिर से आई है और अभी पिंक की बहुत डिमांड है, तो मैंने ये सोचा आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये इसमें बॉर्डर बनी हुई है और इस तरीके से इसमें थ्रेड का काम है। तो सबसे अच्छी बात इस फैब्रिक के साथ ये है ना कि अगर आप इसका ब्लाउज बनवाते हो अपने प्लेन किसी भी साड़ी के साथ, आपके पास प्लेन पिंक हो, प्लेन गोल्डन हो या स्काई ब्लू हो, कोई भी ऐसी हो जिसके साथ ये जाए, तो आप 1 मीटर लेके ब्लाउज बनवा सकते हो। और ये बहुत अच्छी पिंक जो क्वालिटी होती है ना, और पिंक जो एकदम रियल वाली पिंक होती है, वो है ये। तो इस तरीके के फैब्रिक से आप अपने लिए कुछ डिजाइन करवा सकते हो। तो ये हो गई इस पूरे फैब्रिक की डिटेलिंग, आप ये देखो। अब मैं आपको तीसरे में दिखाती हूँ, नॉर्मल जो नेट होती है मोती वाली वो है, बट इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही फाइन है। और इसका इससे ना एक मैं साड़ी भी डिजाइन कर रही हूँ इस बॉर्डर के साथ, ये देखो, पूरी मैचिंग बॉर्डर है। इस बॉर्डर के साथ मैं एक साड़ी भी डिज़ाइन कर रही हूँ, उसके इमेज मैंने डाल दिया है। तो इस तरीके से ये साड़ी बन रही है और आप इसका दुपट्टा भी बना सकते हो। इनफैक्ट मैंने स्कर्ट एक स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप डाला है, अगर इस तरीके का, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल जो 44 होती है नहीं है, ये 58 या 56 इंच है कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके के नेट से ना आप मतलब लॉन्ग फ्रॉक या लॉन्ग स्कर्ट अगर बनाते हो तो उसकी जो डिटेलिंग है बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें जोड़ नहीं लगेगी। तो ये हो गई उस नेट की बात। तो इसकी विड्थ ज़्यादा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत फाइन क्वालिटी है, जो प्लेन नेट की होती है। फैब्रिक आई थी और ये देखो, ये फैब्रिक है येलो पे, इसको मैं थोड़े से हाफ करके दिखाती हूँ। तो इसमें जो है वो हाफ में इस तरीके से बॉर्डर बनी है और ऊपर प्लेन है, और इसके जो दुपट्टा है एकदम सेम सा होता है। मैं थोड़ी सी आपको एक ग्रीन में दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो ग्रीन आप देख पा रहे हो इस बॉर्डर के साथ, ये देखो, और इसी का ये सेम है, मतलब इसी का ये बन के आया है जो सिर्फ दामन के लिए है, और ये दोनों साइड बॉर्डर है। तो ये आपकी हो जाएगी दुपट्टे के लिए और ये हो जाएगी आपकी स्कर्ट के लिए। और इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हो कि आप 1 मीटर लेके, नहीं 1 मीटर में नहीं बनेगी, 1.5 मीटर लेके आप फुल स्लीव्स की आप ब्लाउज भी बनाओगे। जैसे ये ब्लाउज हो गई और आपकी स्लीव्स पे इस तरीके से डिजाइन आएगी, ये देखो। तो अगर आप ब्लाउज भी बनवाते हो ना, और नेट की ब्लाउज भी मार्केट में है और बनती भी है, बहुत अच्छी भी बनती है फिटिंग से, अच्छे से बनाओ तो आपके जो हैंड पे ये डिज़ाइन आएगी, तो आप देख सकते हो कि डिज़ाइन कितनी अच्छी लगेगी। तो आप 1.5 मीटर लेके और यही चीज़ें आप ऐसे कट करके अपने बैक में भी लगवा सकते हो। तो ये है इसके, ये मिरर प्लास्टिक मिरर है, तो ये डिज़ाइन इस पर बन के आई है और इसमें छोटे छोटे बूटियाँ लगी है, देखो। मेनली जो फैब्रिक है वो ये है। तो मैं 1 मीटर लेके आई हूँ ब्लाउज के लिए, क्योंकि
मुझे अगर मुझे स्लीव्स पे लगाने हैं और पूरी बॉडी में ना मेरे पास प्लेन नेट है येलो, तो मैं उसके साथ कॉम्बिनेशन कर लूंगी। तो ऐसे मैंने ये लिया है कि मैं पूरी जो अपनी फुल स्लीव्स है मैं उसके लेके आई हूँ, और मैं चूनट वाली बनाऊंगी, चून जो होती है और यहाँ पे बॉर्डर दिखेगी उस तरीके से ये बनेगी। तो ये हो गई इस नेट की बात, तो मैंने आपको ये दिखाया। अब मैं थर्ड आपको दिखाती हूँ, ये शाइनी नेट है, देखो इसका मैंने ऐड भी किया है इसके साथ सिल्वर सीक्वेंस बॉर्डर। तो आप ऐसा ऐड करके आप साड़ी भी बना सकते हो और दुपट्टा भी बना सकते हो, और अगर आप स्कर्ट बनाते हो ना एक सिल्वर ब्लाउज के साथ तो बहुत ही अच्छी लगेगी। आप ये देखो, और सबसे अच्छी बात है ना इस नेट के साथ फ्रिल बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप अच्छे फ्रिल पसंद करते हो और आप मतलब कोई ऐसी पार्टी है जिसमें आप ऐसा पहन के जा सकते हो, इसको बहुत सारे कलर से मैंने ऐड कर दिए, तो आप ये पहन सकते हो। और ये जो है इसमें बहुत सारे वैरायटीज आते हैं पता है, लेकिन कभी भी अगर स्कर्ट के लिए लेते हो ना तो सॉफ्ट क्वालिटी मत लिया करो। जैसे ये वाली है, ये सॉफ्ट है बट ये स्कर्ट की डिजाइन की बनी हुई है, तो आप इसको जब भी बनाओगे इसकी फ्रिल बहुत अच्छी दिखेगी। लेकिन अगर इस टाइप के नेट को आप लोगे और सॉफ्ट रहेगी तो वो अंदर की तरफ ऐसे ढल सी दिखेगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपको ये सब नेट जो है वो थोड़ी सी हार्ड क्वालिटी में लेना होगा स्कर्ट के लिए, और साड़ी वाड़ी के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट क्वालिटी। तो ये हो गई इस नेट की बात, जिसकी डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो। और इसको मैं थोड़े से आपको हार डाल के भी दिखाती हूँ, यहाँ देखो, ये देखो। तो ये हो गई इस नेट की बात, जिसकी डिटेलिंग आप देख लिया। अब मैं आपको इसी सॉरी शाइनी में ही एक सिल्वर में दी हूँ, वाइट पे ये सीक्वेंस का काम है। ये देखिए बहुत, ये भी बहुत शाइनी है, बहुत मतलब अच्छी मटेरियल है। इस टाइप के फैब्रिक से आपको स्कर्ट बनानी है तो आप बनवा सकते हो। मैंने एक स्कर्ट ऐड कर दिया है, मुझे लगता है एक वाइट स्कर्ट ना हर किसी के पास होनी चाहिए। वाइट स्कर्ट इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल है, उसको इतने अलग अलग वे में आप कंबाइन कर सकते हो ना। मेरे पास एक वाइट स्कर्ट है, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मैंने लड़कों के कुर्ते के कपड़े से बनवाया उसको प्लेन, मतलब ऐसे चिकन वाली। बहुत पहले जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो मैंने सबसे पहले जो बोलते ना खुड़ापाती वही थी वो चीज़ें, इसलिए वो मैं उसको सेल भी नहीं की, उसको मैंने अपने खुद के पास रखा है। तो मैं वो आपको दिखाऊंगी, उसमें कोई कैनकन नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल स्कर्ट बनाया है। जब भी कभी पार्टी होती है तभी भी मैं वियर कर पाती हूँ, और नॉर्मल भी स्कर्ट की तरह मैंने क्रॉप टॉप डाला और उसको पहन के चली जाती हूँ। तो इस तरीके से, तो इस तरीके का अगर शाइनी स्कर्ट का फैब्रिक है जिसके नीचे अगर आप वाइट लगाते हो, मैं आपको अस्तर डाल के दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से अगर आप वाइट लगाते हो तो आपकी जो ये शाइनी फैब्रिक होगी ना बहुत अच्छी लगेगी, और इसकी स्कर्ट वाकई में बहुत अच्छी लगेगी। और ये शाइनी बहुत अच्छी वाली शाइन है, मतलब एक होता है ना एक नॉर्मल ऐसी शाइन। और इसके सबसे अच्छी बात है ना कि अगर इसका ब्लाउज भी बनवाते हो ना वो भी बहुत अच्छी लगेगी। इसकी शाइन ज्यादा उतनी समझ नहीं आ रही, हाँ अब आ रही है ना, मतलब मैंने बोला ना एक बहुत ही अप एंड डाउन वाले शाइन तो उस तरीके की शाइनी फैब्रिक है। और इसका सबसे मुझे अच्छा लगेगा अगर किसी ने इसका स्कर्ट बनवाया या ब्लाउज बनवाया या दुपट्टा, तीन चीज इसकी बहुत अच्छी लगेगी। और स्पेशली स्कर्ट तो इसकी बहुत अच्छी लगेगी अगर कोई 5 मीटर या 6 मीटर पूरे घेर की स्कर्ट बनवा रही है, बनवा रहे हैं, और उसके साथ एक रेड मरून पिंक कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, एकदम प्लेन सा ब्लाउज। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ इसके साथ आप किस तरीके का एक ब्लाउज भी रख सकते हो अगर थोड़े से पार्टी वेयर करना है तो। तो ये होगी शाइनी, आपको शाइनी अब समझ आ रही होगी, ये शाइन, ये अच्छी वाली शाइनी फैब्रिक है। बट होता है ना कोई कोई फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, वो कैमरे में अच्छी आती नहीं है। ये है, तो ये हो गई इस फैब्रिक की बात, ठीक है। अब मैं आपको ये ब्लैक दिखाती हूँ, देखो ब्लैक है, ये भी इसी टाइप के है। मैंने ये जो अभी तक ज़्यादा फैब्रिक दिखाना है वो मेनली मैं स्कर्ट के पर्पज से दिखा रही हूँ, कि अगर आप स्कर्ट बनवाते हो, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सारी शादियाँ आ रही हैं, तो बहुत सारे मतलब फंक्शन है जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ड्रेस डिज़ाइन करके वेयर कर सकते हो। तो ये भी उसमें से एक है कि आपके पास गोल्डन सिक्वेंस ब्लाउज है और आपको एक स्कर्ट बनवानी है इस टाइप से और आपको वेयर कर लेनी है। तो ये हो गई इस ब्लैक सिक्वेंस की बात, देखो इस पर ये है इसकी बात। अब मैं आपको मरून में ये स्ट्रेट लाइनिंग वाली दिखा रही हूँ, ये देखो, ये अगर आप दुपट्टा बनाते हो ना सबसे अच्छी ये दुपट्टे और साड़ी में लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। अगर स्कर्ट बनवाते तो स्कर्ट की तो बात ही क्या, मैंने इसका गोल्डन टाइप का ऐड किया है। अब देख सकते हो कि इसकी साड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी, और इनफैक्ट मैंने आपको प्रीवियसली इसकी साड़ी भी बना के दिखाई है गोल्डन में। तो और ये बहुत सॉफ्ट नेट पे है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, ये है। और इसकी ब्लाउज भी बनवा सकते हो आप खुद ही सोचो कि इस तरीके से ब्लाउज बनी आपकी स्ट्रेट में तो आपकी कितनी अच्छी लगेगी। बस एक अच्छा टेलर होना बहुत जरूरी है,
ब्लाउज डिजाइन करने के लिए। तो ये हो गई इस मरून सीक्वेंस की बात। देखो अब मैं आपको एक मतलब जो बोलते हैं ना ऑर्गेन्जा प्रिंट टाइप में एक नेट है मेरे पास, ये देखो इसमें नीचे इस तरीके से थ्रेड वर्क है और ऊपर प्रिंटेड नेट है, नेट है ये और इस पर प्रिंट है इस तरीके से जो ऑर्गेन्जा प्रिंट और नीचे इस तरीके से थ्रेड वर्क है। तो ये सब मेनली स्कर्ट या आप बोल सकते हो प्लाजो सरारा इस टाइप का चीज़ें अगर इसकी बनती है तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये हो गई इस नेट फैब्रिक की बात। तो इसमें से आपको कुछ भी लेना है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक फैब्रिक दिखा रही हूँ जिसके 3 कलर है विथ प्लाजो। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।